देखिए, एक ऐतिहासिक प्रक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की थी, जबकि उन्होंने नेताजी की प्रतिमा राजपथ, जो अब कर्तव्य पथ है, उस पे उस कैनोपी के नीचे इंडिया गेट के पीछे लगाई, जहां कभी किंग जॉर्ज फाइव का पुतला होता था। 28 टन की ये मूर्ति, 80 टन की ये मूर्ति, 28 फुट ऊंची, इसने मेन स्ट्रीम किया है नेताजी को और INA को। अब हमारी ये आज जो कार्यक्रम हुआ, हमने प्रस्ताव पास किया है, हमने निवेदन किया है मोदी जी को कि ये ऐतिहासिक प्रक्रिया वो पूर्ण करें और आज़ाद हिंद फौज में 60,000 की फौज थी, जिसमें से 26,000 यानी 44% शहीद हो गए। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व आंकड़ा है, अभूतपूर्व आंकड़ा है कि आधी फौज तकरीबन शहीद हो गई, ठीक है, लड़ते लड़ते भारत की आज़ादी के लिए। लेकिन अफसोस, आज पूरे भारतवर्ष में एक पत्थर नहीं जहां उनके नाम लिखे हों, ठीक है। जिन्होंने कहा हमने लाठी खाई, हमने जेल गए, तो उन सब के तो ताम्रपत्र हो गए, लेकिन माफ़ कीजिए, जो शहीद हुए उनका नाम कहीं नहीं, नामो निशान मिटा दिया गया। तो अब जब ये ऐतिहासिक प्रक्रिया रिहैबिलिटेशन नेताजी आज़ाद हिंद फौज की इतिहास के करेक्शन की शुरू हो गई है, हमारा निवेदन है कि नई दिल्ली में एक अच्छे सेंट्रल स्टैंड पर, चाहे लाल किले के आगे, चाहे इंडिया गेट कॉम्प्लेक्स में, लेकिन एक सेंट्रल स्थान पे एक शहीद स्मारक आज़ाद हिंद फौज के 26,000 शहीदों के लिए, मार्टियर्स के लिए बनाया जाए, इसी साल बनाया जाए। और ये मोदी जी के कार्यकाल में ही हो सकता है, क्योंकि 75 साल कुछ नहीं हुआ, अब हमें उम्मीद जागी है। आज़ादी को लेकर बहुत बड़े आरोप लगाए हैं, जो आज़ादी के बाद जो सरकार बनी उस पर, जो पहले प्रधानमंत्री बने उन पर, राष्ट्रपिता पर बेशक बड़े आरोप लगाए, बेशक बेशक, लेकिन मैं तथ्यों के साथ लगाए हैं साहब, मैंने ऐसे ही मुंह खोलकर नहीं बोला है। हम लोगों ने एक डॉक्टर कल्याण डे थे, जिनको भेजा था लंदन में ट्रांसफ़र ऑफ पावर आर्काइव्स को स्टडी करने, 6 महीने लगाए उन्होंने, और जो अंग्रेज़ों के ओरिजिनल दस्तावेज हैं, ज़रा खोल के पढ़ लीजिए कि वो क्या कहते हैं, वो क्यों गए। माफ़ कीजिए, वो कहते हैं कि हमको, जो कि नॉन वायलेंट जो कि मूवमेंट थी, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ना पड़ना था, लेकिन वो गए तो इसलिए गए कि जो नेताजी और आज़ाद हिंद फौज थी, उसने जो लॉयल्टी थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी की अंग्रेज़ों के प्रति,